हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंगेश धर्मे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी सी द प्रॉब्लम ऑन शाफ्ट। इन प्रीवियस लेक्चर वी सी इंट्रोडक्शन टू शाफ्ट। द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर आर स्टूडेंट आर एबल टू डिजाइन शाफ्ट। The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, PSO1, PSO2 and PSO3. These are the program specific outcomes achieved. नाउ अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले क्या याद रखना है, ऑल दीज फॉर्मूला। जैसे आपने पहले भी देखा है डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, जिसमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टी बाय जे इज इक्वल टू सी थीटा और जी थीटा डिवाइड बाय एल। ओके, तो ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम में आने वाले हैं। तो फॉर्मूला है आपने टॉर्शनल इक्वेशन देखा था, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एन। तो इसी से ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे अभी। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपने यहाँ पे निकाला था टाउ की वैल्यू, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी क्यू। तो दिस फॉर्मूला इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द शाफ्ट। तो ये फॉर्मूले भी पूरे अपने कॉपी में नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस फॉर द हॉलो शाफ्ट क्या रहता है, टाउ इज इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी जीरो क्यूब इंटू 1 माइनस k रेज़्ड टू द पावर 4। तो यहाँ पे k क्या है, k इज अ डी आई अपॉन डी जीरो, मतलब इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट टू द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फोर्स। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला दैट वी हैव टू बी रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। The next problem on the shaft is a shaft made of a mild steel is required to transmit 100 kilowatt at 300 rotation per minute. मतलब आपको यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी गिवन है, P इज इक्वल टू 100 kilowatt एट स्पीड कितनी गिवन है, N इज इक्वल टू 300 रोटेशन पर मिनट। The supported length of the shaft is 3 meters. मतलब ये जो shaft आपको दिया है ये कितने length पे रखा है, 3 meter के length पे रखा है। ओके, ए बी इज अ शाफ्ट इज अ सपोर्टेड एट अ 3 meter डिस्टेंस। देन इट कैरीज अ 2 pulley ईच वेट 1500 newton रिस्पेक्टिवली। अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस then here again one add a sentence here, weighting 1500 newton, दो पुली कहाँ पे रखी है, शाप पे रखी है, supported at a distance of 1 meter from the end। मतलब ये एंड है शाप का, तो यहां से 1 meter पे एक पुली रखा है जिसका वेट कितना है, 1500 न्यूटन है, और ये एंड से एक और पुली रखा है 1 मीटर अपार्ट पे जिसका वेट कितना है, 1500 न्यूटन। ओके, मतलब ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, और ये दोनों पुली में का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 1 मीटर। देन अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्ट्रेस गिवन नहीं है आपको, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूंगा वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू सपोज 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आपने अगर 70 भी लिया दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग, आप कितना भी अज्यूम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अज्यूम टाउ एस इज इक्वल टू 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या रहती है शाफ्ट के प्रॉब्लम में, फर्स्ट इज अ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट।
सपोर्टेड बाय शाफ्ट, तो टी इज इक्वल, पी इज इक्वल टू कितना रहता है, 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाय 60। नाउ पी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 100 किलोवाट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 100 × 10⁻³ इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 300 रोटेशन पर मिनट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 300 × t/60। नाउ आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ द टॉर्क हियर, दैट इज इक्वल टू 100 × 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 शिफ्ट पाई इंटू एन, ये आ रहा है 3183.09। कितना आ रहा है, 3183.09 न्यूटन मीटर। नाउ सी हियर इन द डायग्राम, इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, व्हाई, बिकॉज एट अ इक्वल डिस्टेंस क्या रखा है आपने, पुली रखा है 1 मीटर फ्रॉम हियर एंड 1 हियर, सो द रिएक्शन एक्टिंग ऑन बोथ द पुली आर ए एंड आर बी, ये भी कितना रहेगा आपका, 1500 न्यूटन। व्हाई, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड आर इक्वल, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो मैं यहां पर लिखूंगा, बिकॉज सिंस इट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, कैरिंग 2 पुली, सो आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। नाउ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट at C and D, suppose I am writing here, this is point C, this is point D, कितना रहेगा ये, that is M is equal to RA into 1, तो RA की वैल्यू कितनी है, 1500 × 1 इज इक्वल टू 1500 न्यूटन मीटर। ओके, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम सी इज इक्वल टू एम डी, मतलब अगर मैं सी पे भी लेता हूं मोमेंट तो कितना आ रहा है मेरा 1500 न्यूटन, और डी पे भी लूंगा तो 1500 × 1 तो कितना होगा मेरा 1500, मतलब दोनों पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या है, सेम है, तो कोई भी एक पॉइंट को लेके मैं शाफ्ट को डिजाइन कर सकता हूं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। इसके पहले के प्रॉब्लम में क्या होता था, अगर दो पॉइंट रहते थे तो दोनों पॉइंट का मूवमेंट कैलकुलेट करते थे और जो ज्यादा रहता था वो अपन मूवमेंट यहाँ पे कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे क्या है, दोनों का मूवमेंट सेम है, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग एम सी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1500 न्यूटन मीटर। देन नेक्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम इज
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, क्या रहता है, दैट इज अ टीई इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू कितनी है आपकी 1500 होल स्क्वायर, एंड टी की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू आई थी आपकी 3183.09। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 3183.09 होल स्क्वायर। सॉल्व इट। अंडर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 3518.81। न्यूटन मीटर। नाउ ये फॉर्मूला पता है आपका, टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन डी क्यूब कितना होगा, 16 इंटू टी पाई इंटू टाउ एस शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा 16 3518.81 अपॉन पाई इंटू टाउ एस की वैल्यू मैंने कितनी कंसिडर की थी 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये इनिशियली मैंने अज्यूम किया था बिकॉज आपको प्रॉब्लम में गिवन नहीं था टाउ एस की वैल्यू, आपको अज्यूम करना था। तो ये कितनी ली थी मैंने 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 60। दैट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं आप 16 इंटू 3518.81 डिवाइडेड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 60। नाउ शिफ्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ आंसर, तो ये आ रहा है मेरा 6.68। ओके, बट यहां पे एक चेंज करना है आपको, इसको ये जो मेरा टी न्यूटन मीटर में है इसको कंसिडर करना है मुझे न्यूटन एमएम में। तो और एक बार अपन कैलकुलेशन करते हैं, 16 इंटू 3518.81 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय शिफ्ट ऑफ पाई इंटू 60 और शिफ्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ आंसर, तो ये आ रहा है मेरा 66.84। तो इट इज अज्यूम एज अ 70 mm। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना, हमेशा आपको जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट ये किसमें लेना है, न्यूटन एमएम में। ये जो मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट किसमें आया था, न्यूटन मीटर में, तो इंटू 10^3 किया तो मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूटन एमएम में। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द शाफ्ट। द यूनिट आउटकम अचीव्ड इन टुडेज लेक्चर आर, डिजाइन द पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट लाइक शाफ्ट, की एंड कपलिंग। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, we designed the shaft in which we found out the diameter of the shaft. Program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcome are PSO1, PSO2, PSO3. Next problem is, shaft made of mild steel is required to transmit 100 kW at 300 rotation per minute. The supported length of shaft is 3 meters. It carries two pulleys, each weighting 1500 newton, supported at a distance of 1 meter from the ends respectively. Assume the safe value of stress, determine the diameter of the shaft.
In next lecture, we see the next problem on sharp. Thanks for any query. Contact to this number.